वजू है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वजू टूट जाएगा, शहबाज शरीफ नाम ले लिया, चलो कोई मसला नहीं है, चलो दोबारा वजू कर लूंगा माजद के साथ। तो वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन कोई अच्छी होप नहीं हमें इनसे। अभी इनसे एक छोटा सा सवाल किया गया था कि आप क्या पेट्रोल के प्राइसेस को रिवर्स लेके आएंगे, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से इंग्लिश में एक जवाब दे दिया था। सवाल उर्दू में था, जवाब इंग्लिश में था कि जनाब हम इंटरनेशनल मार्केट को देख के चलेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट को देख कर इमरान खान भी चल रहे थे, बल्कि उसमें तो सब्सिडी दे रहे थे हुकूमत। अब ये उन्होंने पहले से बम गिरा दिया है कि हम और आगे जाएंगे, यानी हमको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, प्लस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत थी उससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे। महंगाई हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है, सिर्फ इधर ही नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन ये समझने की बात है, इसको एक बेस बना के प्रेशराइज किया जा रहा है सब चीज़ों को। बाकी अदरवाइज महंगाई सब जगह हो रही है, हम भी पीस रहे, कोई मसला नहीं, हम भी चीज़ें महंगी खरीद रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे। और अभी आप देखें महंगाई, अगर सही मानो देखें, आप रेस्टोरेंट में चले जाएँ, खाना खाने बैठते हैं, 8-10 हज़ार का बिल लोग यूँ ही दे देते हैं। मॉल्स में चले जाएं, शॉपिंग करते हैं, 20-25 हज़ार की यूँ ही कार्ड देते हैं। कौन सी महंगाई अगर देखा जाए तो, 40-50 साल से हर कोई रो रहा है, महंगाई कोई नहीं है, सब VIP किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर कुछ हुए हैं, कुछ मुतासिर हुए हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर, लेकिन अल्लाह उनके साथ बेहतर करेगा। अदरवाइज़ महंगाई इतनी नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है, अल्लाह बेहतर करेगा। दुश्मनों को बदवा दूंगा कि उनके बच्चे शहबाज शरीफ और जरदारी के बच्चों जैसे बने या उनके लीडरों जैसे, ये हमारे लिए एक बदवा है, हमारे लिए एक बदनुमा दाग है। हम अपने दुश्मन को बदवा देना चाहेंगे, बोलेंगे उन लीडरों जैसे उनके औलाद बने, बाकी खुद ही समेट लेंगे। ये कॉपी हमारे बच्चे हमारे लीडर इमरान खान जैसे बने हम चाहेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ बने या नवाज शरीफ बने या कोई भी बने, हम आवाम के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ऐसा हुक्मरान अता फरमा दे जो हमें इस महंगाई से और इस बेरोज़गारी से और गुरबत से निजात दिलाए। हमारे बच्चे ना इमरान खान के नक्शे कदम पर चलें, ना ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलें, बल्कि हमारी ख्वाहिश है हमारे बच्चे भी, छोटे भी, बड़े भी, हमारी आवाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कुरान के मुताबिक इस नक्शे कदम पर चले। कुछ भी नहीं बदलने वाला, अल्लाह करे इमरान खान को 10 साल और दे देवे। हो सकता है उसने बोला है कि जो है ना, मैं सब कुछ निज़ाम सीधा हो जाएगा, कि अगर वो एक बंदा है, वो हज़ारों बंदे उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अकेला बंदा क्या कर सकता है। 70 साल है या 50 साल है या 100 साल गुजर गया है जो पिछला, उससे अभी ये 2 साल में कुछ मसला हल नहीं हो सकता, कि अगले 5 साल भी इसको दे देवे, कि शायद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी सऊदीया का निज़ाम जो इमरान खान ने बोला है कि ये हो जाएगा, कि अगर हो सकता है तो इस तरह हो जाएगा। तो जो इमरान खान ने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए, या हमें भी अफसोस होता है, ऐसा काम कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जैसे पहले हालात ख़राब थे, उसके बाद इमरान खान साहब आए, तो हर सिस्टम बनाने में तो 5 साल भी कम है, वो इतना जल्दी नहीं बन सकता है। तो इनको छोड़ना चाहिए था, 5 साल पूरा करते, उसके बाद रिज़ल्ट पता लगता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो इमरान खान साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह अभी भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे, और इनके पीछे रहेंगे इंशाल्लाह। पहले तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो 40 साल से कौम को लूट रहे थे वो दोबारा वापस आ गए हैं, और बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे दिल रो रहा है हमारा। हम इमरान खान के साथ, पूरी यूथ है हमारी, नौजवान पूरे इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान को दिल से मोहब्बत करते हैं, और हम चाहते हैं ये इनकी गवर्नमेंट जल्द से जल्द हम गिराएंगे, और हम धरनों में तो रोज़ निकल लें, अब जल्द से जल्द इनकी गवर्नमेंट गिराएंगे, बाकी हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। यही तो वो तो चोर हैं, डकैत हैं, उनको तो कोई वोट देगा नहीं। अब इमरान खान देखे सच्चा, वो तो बोल रहे इलेक्शन करवा लो, अब हम जब पब्लिक खुद चाह रही है इलेक्शन करवाएं, तो ये चोर कैसे मना कर सकते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दिल भी नहीं करता इनको प्राइम मिनिस्टर कहने का। सारे चोर डकैत हैं ये, और एक तो नवाज शरीफ, उनकी भी तबीयत सही होने वाली है, अभी वापसी आएंगे, मुझे लगता है वो जहाज़ नहीं मिलेगा तो पैदल ही आ जाएंगे अब तो लंदन से, बिला वजह जेल में नहीं डालेंगे। अच्छा, वो उनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, पूरी PDM के ऊपर केसेस चल रहे हैं, FIRें कटी हुई हैं, अपना तो हाल देख लें, पहले आप तो खुद जेल में अपना तो हिसाब किताब कर लें। आप वो जजों को ख़रीद रहे हैं, असेंबली को ख़रीद रहे हैं, सबको ख़रीद लिया आपने, वो तो पूरी कौम ने देखा ये सब कुछ,
और आप ये बात कर रहे हैं, हम पुराने पाकिस्तान में नहीं, हम इमरान खान के पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान के में आना चाहते हैं। पूरे 70 साल के बाद एक ऐसा लीडर आया है जो सच बोलता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, इस्लामी उम्मा का लीडर बन के उभरा है, कश्मीर पे बात करता है, इसराइल को लताड़ता है, इंडिया को लताड़ता है, और हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। मेरे बच्चे क्या फ्यूचर में मेरे बच्चे हों तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे छोटे, मेरे जितने भी ख़ानदान में सब इमरान खान के नक्शे पर चढ़ें। चोरों के नक्शे पर तो कोई चलना नहीं चाहेगा। ये जो हुआ है ये साजिश हुई है, गैर मुल्की साजिश है ये, इसमें इमरान खान के साथ बहुत नाजायज़ हुआ है। बहुत अच्छा लीडर है इमरान खान, इसको रहना चाहिए था, आगे मुल्क के हालात और बेहतर करता, और निडर इंसान है, लड़ने वाला, बात करने वाला आदमी है। और ये लोग तो सब इकट्ठे हो गए, चोर एक जगह हो गए, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करना है। महंगाई को तो आवाम ने एक्सेप्ट कर ही लिया था, आवाम मेहनत कर रही है, ज़्यादा एफर्ट कर रही है और उस महंगाई का सामना भी कर रही है। तो आगे इस इमरान खान से हमको यही उम्मीद थी कि आने वाले 5 सालों में ये हालात को बेहतर करेगा, और ये वो होने से पहले ही इसके खिलाफ की साजिश हो गई है, और इसका अब अल्लाह मालिक है पाकिस्तान का। हमारे इमरान खान के नक्शे कदम पे चलेंगे इंशाल्लाह बच्चे और मुल्क।